हरदोई जिले के थाना माधवगंज के क्षेत्र में 7 वर्षीय बच्ची का शव झाड़ियों में मिला। परिजनों ने दुष्कर्म कर हत्या की आशंका जताई। एसपी ने घटनास्थल का जायजा लिया। माधवगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में रोंगटे हिला देने वाली घटना घटित हुई। एक 7 वर्षीय बच्ची का शव नग्न अवस्था में झाड़ियों में पड़ा मिला। वही परिजनों में कोहराम मच गया। थाना माधवगंज में एक महिला द्वारा ये सूचना दी गई आज कि उसकी 7 वर्ष की बच्ची गायब है। पुलिस ने इस सूचना पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया और घटनास्थल के रवाना हुआ। घटनास्थल के आसपास देखा गया तो गांव के बाहर बच्ची की डेड बॉडी मिली है, जिसमें उसके गला दबाकर उसकी हत्या करने के निशान पाए गए हैं। पुलिस ने तत्काल बॉडी को पीएम के लिए भेजा है। पीएम के बाद जो भी आवश्यक विधि कार्रवाई होगी पुलिस द्वारा की जाएगी। सैलापुर की ये घटना जानकारी मिली थी थाना माधवगंज क्षेत्र में कि एक बच्ची जो कल रात से अपने घर से गायब थी उसका शव यहाँ मिला है। तो मौके पर फील्ड के साथ सभी अफसर आए हैं और बच्ची के शव को कब्जे में लेके और पुलिस ने उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और जो परिजन है उनकी तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। और जैसे इस घटना के बारे में आगे अपडेट होगा कॉल कर सकते हैं। जी हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हमें मिली हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एविडेंसेज हमें मिले हैं, उनको हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और जल्द ही जो इस घटना के पीछे उसको पकड़ा जाएगा और उसको फिर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। क्या सर मालूम होता है कि बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ? ये पोस्टमार्टम के बारे में चूंकि पता नहीं पाया वो डिटेल आपको बता दी।